देखिए, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है, और वो लाल डायरी, जिन्होंने इस लाल डायरी के बारे में चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि राजेंद्र गुड्डा जी ने मेरी सरकार बचाई है। और आखिर लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिन्होंने कई मंजिल कूदकर उस डायरी को छुपा के लाना पड़ा, कि निश्चित रूप से इसका राज मुख्यमंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। और ये सच है कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं तो उनको तकलीफ किस बात की है। कल सिलेंडर बांटे, आप, ये तीसरा कार्यकाल है, आपने कभी उस गरीब माँ के बारे में सोचा नहीं। मोदी 9 साल से वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप जो 500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो उसमें भी आधी मोदी सरकार दे रही है, ये भी तो जनता को बताना चाहिए। आप 5 साल में, अंतिम दिनों में, कोई एक सिलेंडर देख के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता आपका असली चेहरा जान चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल डायरी में कुछ नहीं, कपोल कल की बात है, बीजेपी की तरफ से बनाया हुआ षड्यंत्र है, हमारे जो साथी थे उनको बरगलाया। किस किस को बरगलाएंगे? कोई कह रहा है आपके खिलाफ पत्र लिख लिख कर उल्टे पत्र लिखने पड़ रहे हैं, कोई विधायक जो कह रहे हैं कि हम भी सुरक्षित नहीं है, कोई आपके मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे हैं कि 50% के बिना सरकार में कोई काम नहीं होता, आप कुनबे के ही लोग कह रहे हैं कि रीट की परीक्षा में इनका पूरा कांग्रेस की सरकार नीचे से ऊपर तक शामिल है, आपकी पार्टी के ही मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार अब तक की महाभ्रष्ट सरकार है, आपकी पार्टी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि हमने जिस मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से मैंडेट लिया है, जनमत लिया है, हम उस पर खरा नहीं उतर पाए तो हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। हम न बेरोजगारी भत्ता दे पाए, न किसानों का कर्जा माफ कर पाए, न महंगाई को रोक पाए। तो स्पष्ट है कि आपका कुनबा ही आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। हम तो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही बड़ा अंतर विरोध है, ये स्पष्ट है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में राजेंद्र राठौड़ का लड़ाई है, उनकी मिली भगत है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कांग्रेस नेता को कि शाम को बड़ा धमाका होने वाला है। तो इसका मतलब बीजेपी वाले ही कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं, इनका मतलब क्या है? आप इतने कमजोर हैं, आप वो कह रहे हैं सबूत देंगे तब देखा जाएगा।